नमस्कार, स्वागत है आपका सैटरडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। राकेश टिकैत ने महापंचायत में बोले एमएसपी से कोई समझौता नहीं होगा। टिकैत ने उड़ीसा की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से भी आग्रह किया कि वह कृषि कानून को वापस लेने में किसानों का समर्थन करे। देखिए ये रिपोर्ट। टिकैत ने ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार से भी आग्रह किया कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों का समर्थन करे। राकेश टिकैत सुबह 11 बजे भुवनेश्वर पहुंचे और उनका स्वागत नवनिर्माण कृषक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार, कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम और वरिष्ठ कार्यकर्ता राकेश दास ने किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने ओडिशा की अपनी पहली यात्रा में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समझौता नहीं होगा। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्वर से 50 किलोमीटर दूर चंडीखोल में एक महापंचायत का आयोजन किया और केंद्र द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन करने का आग्रह किया। टिकैत ने ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार से भी आग्रह किया कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों का समर्थन करे। राकेश टिकैत सुबह 11 बजे भुवनेश्वर पहुंचे और उनका स्वागत नवनिर्माण कृषक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार, कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम और वरिष्ठ कार्यकर्ता राकेश दास ने किया। भुवनेश्वर पहुँचने के बाद टिकैत सीधे किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए चंडीखोल पहुँचे। वहीं इस महापंचायत में शामिल होने के लिए सैकड़ों किसान जाजपुर जिले के चंडीखोल में एकत्र हुए थे। महापंचायत में बोलते हुए टिकैत ने देश भर के किसानों के मुद्दों पर प्रकाश डाला और कहा कि केंद्र द्वारा पेश किए गए कृषि कानून काले कानून हैं और इन्हें जल्द से जल्द वापस लेने की आवश्यकता है। टिकैत ने कहा, मैं ओडिशा के प्रत्येक किसान को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दिल्ली में चल रहे हमारे आंदोलन में भाग लिया। यह एक बड़ा प्रभाव डालता है। टिकैत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विरोध करने वाले किसान एमएसपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा, एमएसपी से पूरे देश के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो प्रदर्शनकारी किसान सर्दियों के आने तक अपना आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार है। वहीं महापंचायत में मौजूद बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चाडुनी ने कहा कि केंद्र पूंजीपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। राष्ट्र की सभी संपत्तियां बिक्री पर हैं, अर्थव्यवस्था संकट में है, ये लड़ाई आर्थिक आजादी के लिए है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सैटरडे न्यूज़। नमस्कार।